अस्सलाम वालेकुम। हम कंडीशन स्ट्रक्चर का चैप्टर नंबर 11 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सटेंडेड इफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, तो आज हम इसी चैप्टर के सिलसिले में लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज देख रहे हैं इफ स्टेटमेंट के अंदर। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर हम ये पॉसिबल है कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने चैप्टर 9 के अंदर डिस्कस किए थे, आपको याद होगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? नॉट, एंड और आर। तो नॉट को हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह एंड को डबल एम्परसेंड और आर को जो है वो इस तरह दो वर्टिकल लाइन्स होती हैं जिन्हें पाइप साइन या फिल्टर साइन कहते हैं। तो इनका यूज़ क्या है? नॉट का यूज़ तो ये होता है भाई, किसी भी कंडीशन को अपोजिट या उसको रिवर्स करना। फॉर एग्जांपल, हम अगर एक जगह पे कंडीशन है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो अगर हम नॉट लगा दें साथ, यानी ब्रैकेट के अंदर ए इज़ ग्रेटर देन बी लिखें और बाहर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे दें, तो इसका मतलब ये होगा भी ए इज़ ग्रेटर देन बी नहीं है। तो अगर नॉट हटा दें फिर तो वो ए इज़ ग्रेटर देन बी है, लेकिन कंडीशन रिवर्स हो जाए तो इट मीन्स के ए इज़ ग्रेटर देन बी नहीं है। इसी तरह एंड का यूज़ क्या होता था भाई, एक से ज़्यादा कंडीशंस अगर हमने एक लाइन पे चेक करनी है, एक स्टेटमेंट के अंदर चेक करनी है और दोनों का दुरुस्त होना ज़रूरी है, तो उस केस में फिर आप एंड को यूज़ करते थे। इन द सेम वे अगर आप कहते हैं भी दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस एक स्टेटमेंट के अंदर देनी है और उसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो सकती है, तो उस केस में फिर आप आर का यूज़ करते हैं। तो ये इस तरह के जो लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ है ये हम इफ स्टेटमेंट के अंदर कैसे करते हैं, वो यहाँ पे एक प्रोग्राम एग्जांपल के ज़रिए मैंने डिस्क्राइब किया है इसको। आप देखें, ये एक प्रोग्राम है, इस तरह का प्रोग्राम हम पहले भी देख चुके हैं इफ स्टेटमेंट के केस में। तो एक्सटेंडेड इफ स्टेटमेंट, मेरे ख्याल में एक्सटेंडेड इफ स्टेटमेंट के केस में हमने देखा था। तो एक कॉमन किस्म का प्रोग्राम है कि 3 नंबर्स आपने एंटर करने हैं और उसके बाद इसमें से लार्जेस्ट नंबर चेक करना है और उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आप देखें, इंटीजर नम 1, नम 2, नम 3, तीन वेरिएबल मैंने ले लिए और हम इनकी वैल्यूज ले रहे हैं यूज़र से। प्रिंट एफ इंटर वैल्यूज फॉर 3 नंबर्स, स्कैन एफ परसेंटेज डी। ये यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमास एक्स्ट्रा आ गए, बाई मिस्टेक आ गए, तो इसको आपने कंसिडर नहीं करना। इसमें परसेंटेज डी, तीनों परसेंटेज डी के बाद एक ही दफ़ा डबल इन्वर्टेड कॉमा है, हाँ इनके दरमियान स्पेस है, और उसके बाद सिंगल कॉमा और फिर नम 1 और नम 2 और नम 3 की वैल्यूज हम दे रहे हैं। देन फिर क्या हो रहा है भाई, ये इफ स्टेटमेंट पे गौर करें, इसमें हम चेक करा रहे हैं इफ नम 1 इज ग्रेटर देन नम 2 एंड नम 1 इज ग्रेटर देन नम 3। तो इस एंड पे गौर करें, ये एक डिफरेंट कलर में मैंने इसी वजह से यहाँ रिप्रेजेंट किया है कि इस पे आप गौर करें कि इसमें दो कंडीशन एट अ टाइम हम चेक करें कि नम 1 नम 2 से ग्रेटर हो और दोनों कंडीशन अगर दुरुस्त हों तो इट मीन्स कि फिर फर्स्ट नंबर ग्रेटर होगा या लार्जेस्ट होगा, तो उसको प्रिंट करें। अदरवाइज फिर वो क्या चेक करें कि नम 2 अगर, यानी नम 1 की कंडीशन दुरुस्त नहीं है तो फिर वो नम 2 को चेक करेगा बाकी दोनों नंबर्स के लिहाज से। तो देखें कि इफ नम 2 इज ग्रेटर देन नम 1 एंड नम 2 इज ग्रेटर देन नम 3, यानी नम 2 की वैल्यू नम 1 और नम 2 दोनों से अगर ज़्यादा है तो उस केस में फिर क्या होगा कि सेकेंड नंबर इज लार्जेस्ट, ये मैसेज प्रिंट होगा। इसमें याद रखें क्योंकि एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है तो दोनों कंडीशन का दुरुस्त होना जरूरी है। अगर ग्रेटर हो लेकिन नम 2 से ग्रेटर ना हो तो फिर ये कंडीशन एंटर नहीं होगी। इसी तरह अगर नम 2
नम टू जो है नम थ्री से ग्रेटर होता है और नम टू जो है वो नम वन से ग्रेटर नहीं होता, यानी सेकंड कंडीशन ट्रू हो जाती है और फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर भी ये स्टेटमेंट परफॉर्म नहीं होगी। तो बोथ कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, एल्स इफ नम थ्री ग्रेटर देन नम वन एंड नम थ्री ग्रेटर देन नम टू, फिर नम थ्री को हम चेक करें कि वो बाकी दो से ग्रेटर है या नहीं है, तो अगर है तो फिर थर्ड को प्रिंट कर दे। तो इस प्रोग्राम के अंदर आपने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही इफ की स्टेटमेंट के अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस दे रहे हैं और ये यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर एंड। लॉजिकल ऑपरेटर्स के सिलसिले में दूसरी एग्जांपल देखें, ये क्या एग्जांपल है कि राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ग्रेड इन ICS एडमिशन टेस्ट मार्क्स एंड स्पोर्ट्स पॉइंट्स। एक प्रोग्राम लिखें जिसमें आपने तीन चीज़ें इंटर करनी है, ICS के अंदर ग्रेड क्या है, एडमिशन टेस्ट के कितने मार्क्स हैं और फिर स्पोर्ट्स पॉइंट्स कितने हैं। तो आपका प्रोग्राम चेक करें भाई, अगर ग्रेड जो है वो ए है और एंड एडमिशन टेस्ट मार्क्स और ग्रेटर और इक्वल 80, उसके साथ एडमिशन टेस्ट मार्क्स जो हैं वो इक्वल या ग्रेटर 80 हैं, या फिर और स्पोर्ट्स पॉइंट्स अबव वो 8 से अबव है, देन डिस्प्ले मैसेज कंग्रेजुलेशन, तो तब कंग्रेजुलेशन का मैसेज आए कि यू आर सिलेक्टेड, अदरवाइज एक मैसेज आए कि सॉरी यू आर नॉट क्वालिफाइड। अब इसमें देखें कि हमारी तीन इनपुट्स हैं, तो उन तीन इनपुट्स को हम ले रहे हैं यहाँ पे टेस्ट मार्क्स स्पोर्ट्स पॉइंट एज ए इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और करेक्टर टाइप वेरिएबल है ग्रेट, क्योंकि इसमें ग्रेट स्टोर हमने करना है, तो ये करेक्टर टाइप वेरिएबल होगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रिंट एफ और स्कैन एफ की मदद से वैल्यूज ले रहे हैं, इंटरग्रेटेड इन ICS एडमिशन टेस्ट मार्क्स एंड स्पोर्ट्स पॉइंट, और उसके बाद स्कैन एफ के अंदर देखें कि हमने मुतलका जो वेरिएबल्स हैं उनके लिहाज से हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई दिए हैं, क्योंकि पहले हम ग्रेड की वैल्यू ले रहे हैं तो इस वजह से परसेंटेज सी हमने यहाँ पे लिया है, और फिर उसके बाद दो इंटीजर वैल्यूज हमने लेनी है टेस्ट मार्क्स और स्पोर्ट्स पॉइंट्स, तो इसलिए हमने परसेंटेज डी दी है। ये आगे आप देख सकते हैं कि उसी लिहाज से रिस्पेक्टिव हमने वेरिएबल्स दिए हैं एंड ग्रेड एंड टेस्ट मार्क्स और एंड स्पोर्ट्स पॉइंट। अब यहाँ पे कंप्यूटर चेक करेगा कि इफ ग्रेड इक्वल ए, इस लाइन पे आपने स्पेशली गौर करना है कि ये किस तरीके से ये कंपाउंड कंडीशन बन रही है कि इफ ग्रेड, अगर ग्रेड ए हो और उसके साथ एंड टेस्ट मार्क्स ग्रेटर आर इक्वल 80 हो, यानी लाजमी तौर पे ग्रेड भी ए होना चाहिए और टेस्ट मार्क्स भी ग्रेटर आर इक्वल 80 होने चाहिए, और या फिर स्पोर्ट्स पॉइंट ग्रेटर देन 8 हो, या फिर ये होना चाहिए स्पोर्ट्स के पॉइंट जो है वो 8 से अबव हो, तो फिर ये कंग्रेजुलेशन का मैसेज आएगा कि यू आर सिलेक्टेड। अच्छा, अब इसमें इस लाइन को समझने के लिए आपको इनका ऑर्डर पड़ेगा, यानी वो जो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का कंसेप्ट था उसको माइंड में लाएं कि अगर ये दो या दो से ज़्यादा ऑपरेटर्स एक ही लाइन में दिए हुए तो इनमें से कौन सा पहले प्रोसेस होगा। तो अगर एक ही लाइन में आपका नॉट भी होता है एंड भी होता है और आर भी होता है, तो इसमें से क्या रूल मैंने आपको बताया था कि नॉट पहले प्रोसेस होगा फिर एंड होगा और उसके बाद फिर आर होगा। तो यहाँ पे नॉट तो है नहीं, हम यूज़ नहीं कर रहे, तो एंड को पहले हम देखेंगे, तो कंप्यूटर भी पहले एंड को एग्जीक्यूट करेगा, तो वो पहले चेक करेगा कि भाई अगर ये जो है ग्रेड ए है और उसके साथ लाजमी तौर पे टेस्ट मार्क्स ग्रेटर आर इक्वल 80 है, अगर ये कंडीशन ट्रू है उसके बाद फिर वो आर को चेक करेगा, यानी या तो ये दोनों कंडीशन ये वाली ट्रू होनी चाहिए और या फिर स्पोर्ट्स पॉइंट जो है वो ग्रेटर देन 8 होनी चाहिए, तो तब फिर क्या मैसेज आएगा, कंग्रेजुलेशन यू आर सिलेक्टेड। तो यानी पहले एंड वाली कंडीशन प्रोसेस होगी और उसके बाद आर वाली, तो अगर एंड वाली ये कंडीशन ट्रू है
तो फिर इसको उसने चेक करनी ही नहीं है सेकंड कंडीशन को, क्योंकि दरमियान में और आ गए तो वो ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा। हाँ, अगर ये फॉल्स हो जाती है पहली ओवरऑल कंडीशन, तो फिर वो क्या करेगा कि फिर स्पोर्ट्स पॉइंट को चेक करेगा कि क्या ग्रेटर देन 8 हैं या नहीं है, तो फिर वो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। और अगर ये फिर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर वो क्या करेगा, फिर ये सॉरी वाला मैसेज डिस्प्ले कर दे। इससे आगे हम कंडीशनल ऑपरेटर का टॉपिक देखते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर इज यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू ए सिंपल इफ एल्स स्ट्रक्चर या स्टेटमेंट। इट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर बिकॉज इट हैज थ्री ऑपरेंड्स। तो जो सिंपल इफ स्ट्रक्चर था, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, जो फर्स्ट सिंटेक्स है इफ स्टेटमेंट की, उसमें हम उसके अंदर हम क्या करते थे, एक सिंपल कंडीशन, एक कंडीशन चेक करते थे, और जो दूसरी सिंटेक्स थी उसमें दो कंडीशंस को चेक करते थे, यानी इफ एल्स, इफ विद एल्स ऑप्शन जो सेकंड सिंटेक्स थी। तो ये वाला जो ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर, ये जो सेकंड सिंटेक्स है यानी इफ विद एल्स ऑप्शन, उसके अल्टरनेटिव के तौर पे इसको मुतबादल के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। कैसे? अब सिंटेक्स की देखें, वेरिएबल इज इक्वल टू कंडीशन और क्वेश्चन मार्क ट्रू के स्टेटमेंट और कॉलन फॉल्स के स्टेटमेंट। ये वेरिएबल जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दिए गए। तो आपको मैंने बताया था भी किसी भी स्टेटमेंट की सिंटेक्स के अंदर अगर इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट आ जाती है तो उसका मतलब ये होता है भी ये चीज़ ऑप्शनल है, ये यानी कभी होगी कभी। इक्वल टू, यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर के इस हिस्से में हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। क्वेश्चन मार्क के बाद हम ये देखेंगे कि अगर वो ट्रू है तो फिर क्या करना है, और फिर कॉलन के बाद हम ये देखेंगे कि अगर वो फॉल्स है तो फिर क्या करना है। तो अगर इधर वेरिएबल आ रहा होगा तो इन ट्रू या फॉल्स स्टेट में से कोई वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। और याद रखें कि ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट के तौर पे भी ये यूज हो सकता है इस तरह कंडीशनल ऑपरेटर, यानी पीछे वेरिएबल लिख दें और आगे हम ये इस ऑपरेटर को यूज़ कर लें, और ये किसी दूसरी स्टेटमेंट के अंदर भी आ सकता है। तो जब ये मिसाल तौर पे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो जब ये किसी दूसरी स्टेटमेंट के अंदर आ रहा होगा तो फिर वेरिएबल यहाँ पे नहीं आएगा। अभी यहाँ पे देखें एग्जांपल्स। नंबर वन के इफ़ वी हैव द फॉलोइंग सिंपल इफ स्टेटमेंट, ये सिंपल इफ नहीं है वैसे, ये इफ विद एल्स ऑप्शन है, यानी सेकंड सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट है। तो इसमें क्योंकि सिंपल जो होती थी ना उसमें तो एल्स नहीं होता था, तो ये सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे देखें कि इफ परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल 40, अगर परसेंटेज ग्रेटर है या इक्वल है 40 के, फिर क्या होना चाहिए, ग्रेड इज इक्वल टू पी, एल्स ग्रेड इज इक्वल टू एफ। अब इसको हम अगर कंडीशनल ऑपरेटर के साथ लिखना चाहते हैं तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं, ये अब देखें, ग्रेड इज इक्वल टू, यानी वो सिंटेक्स में था ना वेरिएबल, तो इधर वेरिएबल की जगह पे ग्रेड आ गया, तो इज इक्वल टू परसेंटेज ग्रेटर आर इक्वल 40। तो इधर कंडीशन थी सिंटेक्स के अंदर, आप देखें कंडीशन थी, तो कंडीशन चेक हो रही है परसेंटेज ग्रेटर आर इक्वल 40, तो क्वेश्चन मार्क और पी कैपिटल सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो पी जो है वो ग्रेड में स्टोर हो जाएगा अगर ये कंडीशन दुरुस्त है, वरना अदरवाइज कॉलम के बाद जो हमने ग्रेड की वैल्यू ली हुई है ये इस वेरिएबल ग्रेड में स्टोर हो जाएगी। तो इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखें, वी कैन यूज कंडीशनल ऑपरेटर डायरेक्टली इन अनदर स्टेटमेंट, हम एक दूसरे स्टेटमेंट के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखें, प्रिंट एफ योर ग्रेड इज परसेंटेज सी और कोटेशन क्लोज कॉमा, और ये मुकम्मल कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पे हमने लिख दिया है, यानी परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल 40, तो क्वेश्चन मार्क पी कॉलन एफ। तो इस तरह आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और फिर स्विच और इफ स्टेटमेंट का डिफरेंस डिस्कस करेंगे।